गुड मॉर्निंग बेबी, उठ जाओ। सोने दो ना यार थोड़ी देर। अगर अभी उठ गए तो कॉफी के साथ कुछ और भी मिल जाएगा। मुझे चाहिए उसके लिए उठने की क्या जरूरत है। अरे अभी उठ के चाय बना लो यार। गुल्लू की बारी है, गुल्लू बनाएगा। वैसा यार संडे है, तू बना, तेरा नंबर है, मैं नाश्ता बनाऊंगा भाई। बात है ऐसी, सो जाओ, सीधा दोपहर का खाना खाएंगे। यार दिमाग खराब मत कर, चाय पीने का मन हो रहा है। क्या खाना बनाएंगे साले, तू डेली ऑफिस जाता है, हमसे बनवा के पी के जाता है ना, आज खुद का नंबर है तो खाना खाएंगे बस। चल चाय बना। सालो मैं तुम लोग का नौकर हूँ? सालो सुबह सुबह उठता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ, पोछा लगाता हूँ, बर्तन साफ करता हूँ, साले कपड़े धोता हूँ, तुम लोग की चड्डी धोता हूँ, ऊपर से काम पे जाता हूँ, साले पैसे कमा के लाता हूँ, तुम लोगों को दारू पिलाता हूँ। तुम लोग दोस्तों की मेरी लुगाई, कल के बच्चे पैदा करने होंगे ना तो कॉल करके उसके लिए भी मेरे को बुला देना। अबे इंसान सुबह उठता है कितना प्रेशर रहता है पता है, आंखों में नींद का प्रेशर रहता है, दिमाग पे काम का प्रेशर रहता है, और पीछे से प्रेशर आता नहीं है साले, इंसानों की प्रेशर कुकर। अरे एक काम बोला है तुम लोग को, चाय बनाने को सुबह सुबह भाई के लिए चाय नहीं बना सकते भाई? तेरी ये परेशानी देख के ना मेरा दिल भर आया यार। भाई तुझे इस हाल में देख के ना, आज ऐसे देख के मुझे एक बात तो समझ में आई। चाय तू ही बनाएगा, चल साला ड्रामेबाज। वो रख नाश्ता, या चीनी या बिना चीनी? चीनी रखी है। छुट्टा नहीं है यार, आगे बढ़ो। हाँ? क्या बोला? अरे बेबी तुम हो, बहुत थक गया हूँ यार, पानी ले आओ एक गिलास। चल बकवास बंद कर अपनी, आज 5 तारीख के पैसे निकाल। अरे वो सैलरी मिली नहीं, वो बॉस कहा कि अगले महीने ले लेना, इस महीने की भी और अगले महीने की भी। तू खुद को लेता और मेरे को जनता समझ के बनाता रहेगा। चल पैसे ना कर। पर बेबी वो तेरा पर गया भाड़ में, पैसे निकाल। यहाँ का ना सारा काम मेरे को संभालना होता है, तुम तो चले जाते हो बाहर ऐश करने। कर रहा हूँ ट्रांसफर। चल वॉलेट निकाल। वॉलेट भी? अरे यार मेरे कच्चे तक फट गए, कम से कम 500-700 तो दे दे। 500-700? तुझे शक्ल देखिए, औकात है तेरी 500 का कच्चा खरीदने की? चल निकल, कम से कम पानी तो पिला दे। मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने, खुद जा समझा। सब कुछ कितना स्लो और सही है वे, जैसे शिमला मसूरी। अरे भाई मसूरी की तो बात ही अलग है, लेकिन ये काली वाली कितनी सेक्सी है भाई। पिंक वाली को देख रहे, लगता है एकदम हूर हो हूर। अबे लंगूर तुझसे ना पटेगी ये। ओ तुम लोग कितनी बार बोला यार घर साफ कर लिया करो जब बाहर जाया करूँ तो, और ऊपर से काम करके आने के बाद ऐसा घर देख के मूड खराब हो जाता है पूरा। बेटे भाई की आज तो सैलरी आई होगी है ना, अब होगी पार्टी, दारू सुट्टा चिकन दिक चिका दिक चिका दिक चिका, ऐसा थप्पड़ मारूंगा साले कोने में जाके गिरेगा। सैलरी आती है रेंट देने के लिए, अपने पर्सनल काम करने के लिए, तुम्हारे माल दारू के लिए नहीं। फेवर बदल गए इसके पैसे आते ही। अरे आ जा निकाल 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 निकाल। गुल्लू कल्टी मार, क्या बोला फिर से बोलना। सरप्राइज। सरप्राइज तो बेटा आज हम तुमको देंगे। इधर आओ दोनों, इधर आओ दोनों। क्या बैठो साले, तुम दोनों जब से मेरी जिंदगी में आए हो ना, मेरी जिंदगी की 7:30 शुरू हो गई है, जिंदगी झंड हो रखी है मेरी। तब से पैसे जोड़ रहा था मैं, तब से कि ढंग का फोन खरीद सकूं। अबे कपड़े फटे हुए, कपड़े खरीदने थे, मेरी खुशी तो देखी नहीं जाती ना तुम दोनों से। साले तुम दोनों दोस्त से ना, दोस्त ना होना अच्छा है। अरे यार भाई तू नाराज क्यों हो रहा है? अबे निकालना। हमें पता था
तू सारे पैसे ना ऐसे ही खर्च कर देगा कमरे के किराए में, तो तेरे लिए हम लेके आए कुछ और नए कपड़े। तुझे तो साले हमेशा यही लगता है ना, हम अपने बारे में सोचते हैं तेरे बारे में नहीं सोचते। लेके आए तेरे लिए, इसीलिए पर्स लेके गए थे। और हाँ, दारू भी फुल है। आ गए ना साले औकात पे, फिर से दारू ले आई ना मेरे पैसों की। अबे साले तेरे पैसों की नहीं है, मेरे पैसों की दारू है, इसने तो बचा कर रखता है तेरा भाई। फिर ठीक है यार, सॉरी यार, मेरा भी थोड़ी मन करता है बार बार गुस्सा होने का। तुम ही लोग बताओ क्या करूं, सैलरी मिलती है, घर का रेंट, और यहाँ आते ही सब कुछ खत्म हो जाता है। कितनी बार मन करता है भाई कि जॉब से टाइम मिले तो किसी अच्छे से इंस्टीट्यूट में कोई कोर्स ज्वाइन कर लूं, ताकि सैलरी में भी थोड़ी सी हाइक हो जाए या फिर प्रमोशन मिल जाए। हाँ तो क्यों टेंशन ले रहा है, अपग्रेड यूज करना। अपग्रेड ये क्या है भाई? देख मैं तुझे दिखाता हूँ, अपग्रेड एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप तरह तरह के कोर्स अपने घर बैठे कर सकते हो, बिना कॉलेज, बिना इंस्टीट्यूट जाए हुए। तेरा मतलब है कि मैं यहाँ से बैठे पढ़ाई कर सकता हूँ? हाँ भाई, रिसेंटली मेरे एक कलीग ने अपग्रेड के थ्रू MBA प्रोग्राम विद स्पेशलाइजेशन इन बिजनेस एनालिटिक्स फिनिश किया है, और उसकी वजह से उसको सैलरी हाइक भी मिला है, उसके साथ साथ प्रमोशन भी मिला है। तो क्या बात कर रहा है यार? हाँ भाई, तू भी सेम कोर्स कर ले, MBA विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, और स्पेशलाइजेशन लाइफ में बहुत जरूरी है। उससे मेरे कलीग को पता है कितना फायदा मिला है। और तू डेजिग्नेशन छोड़ भाई, सैलरी हाइक भी मिली उसको, और अच्छी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट की एल्यूमिनी, इंडस्ट्री रेडी प्रोग्राम्स, लीडिंग फैकल्टीज और मेंटर से गाइडेंस, बिल्कुल एकदम परफेक्ट रहेगा। और भाई मैंने तो सोच लिया है, मैं इसी पे प्रोग्राम ज्वाइन करने वाला हूँ, मैं तो कहता हूँ तुम भी कर लो। भाई तूने कितने फायदे बता दिए यार। भाई पहली बात तो ये ऐप मैं अभी डाउनलोड कर रहा हूँ, और साथ में कोर्स ज्वाइन करेंगे। अच्छा भाई, स्टडी तो हम रात को करेंगे, अभी दारू की स्टडी कर लें। ठंडी बियर ऊपर से हमारा बढ़ता करियर। दिमाग खराब है तेरे को? पता है उसको किसी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है इस बकवास से? उसका डाइट चार्ट लाके दिया है ना, बकवास खिला रहा है उसको। अरे अगर दो चार टुकड़े खा लेगा तो कौन सा परचून की दुकान पे जाके इसके नाम का उधार लगाने लग जाएगा? ये साला खाता हमारे साथ है, सोता हमारे साथ है, हमारे बाथरूम में जाके मूतता है। ये साला कुत्ता है या इंसान, मेरे को तो ये समझ नहीं आता। कुत्ता नहीं, मेरा बच्चा है वो, और अगर तूने उसे कुत्ता बोला ना तो तेरे को घर से उठा के बाहर फेंक दूंगी, समझा कुत्ते? चलो टोटो। अरे हमारा छोटा सा चिंटू कितना प्यारा है ना। अभी मैं ना कुछ सोच रहा था। सोचने लग गया, अच्छी बात है, सोचो सोचो। अरे नहीं नहीं वो नहीं, मैं सोच रहा था, देखो हम तीन लोग हैं, दारू पीने में मजा नहीं आता। अब हमारी दादी अम्मा भी कहती थी कि तीन बिगाड़ा काम बिगाड़ा, अगर चौथा हो जाए तो। चौथा तुम्हारा कोई नया दोस्त वोस्त बनाएगा बे? पागल हो गए क्या? इसको दारू पिलाएंगे? अबे कुत्ता है ये और हमारा बच्चा है, हमने पिलाने वाले दारू? तुम समझ नहीं रहे हो, इंसान जो है कुत्ता है और कुत्ता जो है इंसान है। इंसान इतना बड़ा कुत्ता हो गया कि कुत्ता कुत्ता नहीं बचा और इंसान इंसान नहीं बचा। अब इंसान को इंसान ना समझते हुए कुत्ते को इंसान समझते हुए दो चार बूंद बियर पिला दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा कुत्ते? ए बेबे, अबे तुम पागल हो गए हो क्या? मुंह से बवासीर रह जा रहे हो। हम नहीं पिलाएंगे अपने कुत्ते को भी? अरे यार मान जाना, अभी पी लेने दे यार। मेरा बचपन से सपना है कि मैं कुत्ते को दारू पीता हुआ देखूं, आज ये पी लेगा तो मेरा सपना भी पूरा हो जाएगा, और दो घूंट में क्या चला जाएगा यार। ठीक है, पर अगर इसके बाद ये कोई उधम मचाएगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। देवा घातक है सालों, दारू मत पिला उसको। चिंटू हम तो तुम्हें पिलाए, तुम्हारे पापा है बे। चले मुझे नहीं पता था मेरा सपना ऐसे पूरा होगा। अरे हम क्या पिएंगे? यार जल्दी से कुछ खाने को बना दे। तेरे में कुछ शर्म हया बची है कि नहीं है? साला खुद तो बड़ा बड़ा पाकता रहता है, मैं तेरी बंदियों की नौकरानी। तू ये बता तूने आखिरी काम कौन सा किया है? जो तेरे चक्कर में सुबह मैंने नहाया और लिस्ट्रीन से कुल्ला किया उसका क्या? इस इंसान से ना बात करना बेकार है। बेकार है ना तो मत किया करना, तेरा और मेरा दोनों का टाइम बचेगा। तेरे घर के राशन के लिए ना सरकार ने कोई योजना नहीं खोल रखी, समझा? ले पकड़ जाके सामान लेके आ, ले आएगा तो खाना बन जाएगा, नहीं तो मेरा क्या है? मैंने तो अपने टमाटर से ऑर्डर कर ही लिया है।
अजवाइन, जीरा, हींग, काली मिर्च, हरी धनिया, पिसी धनिया, धनिया कितनी धनिया होती है? एक बात बता, मैं तेरा बंदा हूँ कि कोई कूली? और अगर इतना काम करवाने का शौक है ना, तो अपने अब्बा जी से कह के एक नौकर बुलवा ले जो पापा की परी बनती है, क्योंकि हम भी माँ के मोजो रोजो हैं। और ये घूर के क्या देख रही है? मेरे बस की नहीं है लाना, मैं नहीं लाऊंगा। अरे अभी यार कुछ है ही नहीं खाने को, ना आटा है, ना चावल है, ना दाल है, ना सब्जी है, ना जीरा है, ना हींग है, खाएंगे क्या हम धक्के? देखो पहले तो हमारे सामने रैप मत किया करो, समझे? नहीं तो सुर और ताल हम दे देंगे। शांति से बैठ के सामान की लिस्ट बनाओ, हम लेके आते हैं। क्यों ये चाहे, और सामान की लिस्ट भी हमने बनाओ। अरे अभी बेसन भी लिख दें। पकोड़ा खाना है तुमको? अरे नहीं नहीं, पिछली बार हम तुम्हें खिलाए नहीं थे करेले के पकोड़े? वही बना के खिलाएंगे, एकदम मंगली चाट। वो पकोड़ा था? एक तो गुरु हम तुम्हारे एक्सपेरिमेंट से परेशान हो गए। साला किसी दिन पड़े रहेंगे ना लाश की तरह, हमारे शरीर का कोई अंग काट के उसकी बिरयानी बना के हम ही को खिला दोगे। लिस्ट दो तुम। एक लाल चिप्स, एक नीला चिप्स, एक पीला चिप्स। चिप्स की दुकान खोल लेते हैं ना, है? 250 ग्राम पनीर, अदरक, धनिया, खीरा। टमाटर, प्याज, प्लास्टिक की गिलास, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, दो बोतल दारू। अबे तुम काम की चीज सबसे नीचे लिखते हो, बड़े कमीने टाइप के हो। लिस्ट तो बेटा सही बना, बस इसको उल्टी पढ़ दी है। ए गुल्लू चला बाइक रेडी कर, सामान लेके आते हैं, तुम सेटअप रेडी करो। चकना भी ले आना अपनी श्रद्धा के हिसाब से। हाँ सब सही है पापा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए, बस आप आ जाओ। हाँ ठीक है, आ जाओ आप। बेबी वो आपसे एक बात करनी थी। बोलो। अरे वो आपकी दोस्त कभी कभी घर आया करती थी ना, दो दो तीन तीन दिन के लिए, वो कहाँ रहती है? ओ, तो मतलब तुम अब मुझे ताना मार रहे हो? मैं ताना नहीं मार रहा हूँ, मतलब मुझे ये पूछना है कि वो कहाँ रहती है। दिल्ली रहती है, क्यों? देखो क्या है ना, मेरे पापा कल मुझसे मिलने आ रहे हैं और शायद वो रात को यहीं रुकेंगे। तो एक्चुअली द थिंग इज कि वो थोड़ी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के, और उनको मैंने आपके हमारे रिश्ते के बारे में बताया नहीं है, तो ये सब देख के वो शायद थोड़े से ऑकवर्ड हो जाएंगे। वो क्या है ना कि परसों जैसे ही मैं उनको डॉक्टर को दिखा के ट्रेन में बैठाऊंगा तो मैं तुमको लेने आ जाऊंगा। क्या आप एक दिन के लिए अपनी उस फ्रेंड के यहाँ रुक सकती हो? तो मतलब अब तुम ये चाहते हो कि मैं ये घर छोड़ के उसके घर रहने जाऊँ ताकि वो ये समझे कि इस घर पे मेरा कोई हक नहीं है? मैं अपने माँ बाप को छोड़कर इस घर में आई हूँ तुम्हारे साथ रहने, ये दिन देखने के लिए नहीं कि तुम एक रात को मेरे को इस घर से बाहर उठा के फेंक दो। और सुनो, तुम्हारे डैड है, तुम संभालो, उनको किसी दोस्त के घर ठहराना है ठहराओ, लेकिन अगर मैं इस घर से गई ना तो वापस नहीं आऊंगी। आनंद कहाँ पे यार? यार वो कल ना पापा आ रहे हैं। हाँ तू सुन ना, तू एक काम कर, तू किसी होटल में जाके एक बढ़िया सा रूम बुक कर ले पापा के लिए। ठीक है, थैंक यू यार। ओ भाई क्या सही लड़की है यार, मेरी बात करा दे। साले तुम्हारी भाभी है। अच्छा तो ब्रेकअप की बात करा दियो। अबे साले मैं तो हेपटा दूंगा, ब्रेकअप की बात करा दिए। अब अभी तुम कहाँ ऐसे बैठे हो? चलो चाय बना के ले आओ। यार आज मन नहीं है, थोड़ी देर बाद बना दूँ। अच्छा हाँ, बाय द वे थैंक यू फॉर सजेस्टिंग अपग्रेड। मेरा बॉस मेरे काम से बहुत खुश है और मेरे साथ साथ ही हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम अपग्रेड। और भाई गुड न्यूज़ ये है कि तुम्हारे भाई को एक प्रोजेक्ट के लिए अब्रॉड भेज रहा है, दुबई। सारा खर्चा कंपनी का। अच्छा जी, जो कभी गया ना वो देहरादून, वो जा रहा है दुबई। चलो जी ये भी सही, जय अपग्रेड महाराज की। अच्छा वैसे ये तो खुशी वाली बात है, तो चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, यूं उदास क्यों बैठे हो? यार वो कल ना पापा मिलने आ रहे हैं एक साल बाद, और पापा को बताया हुआ है कि मैं तो अकेला रहता हूँ और जो हम लोगों का रहन सहन है पापा को यार बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या पता कल तुम लोगों के सामने मुझे देखें तो ताने मारना शुरू कर दें कि ऐसे लड़कों के साथ रह रहे हो बिगड़ जाओगे। यही बोलना था यार कि अगर 3 दिन के लिए पापा आ रहे हैं, अगर 3 दिन के लिए कहीं बाहर रहने का जुगाड़ कर लो यार। तो
तो बातें ऐसे 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 घुमा के क्यों कर रहा है? सीधे सीधे बोलना भाई। तू चिंता मत कर, अंकल ना तेरे ही पापा नहीं है, हमारे भी पापा हैं। 3 महीने छोड़, तू 3 साल रख ले। बस एक काम करना पड़ेगा। क्या? हमारे लिए डेली एक दारू की बोतल ला दिया कर। हम रात वहां गुजार लिया करेंगे स्टेशन पे दारू पी के, और दिन भर तो हमें घूमना ही होता है, कहीं भी धक्के खा लेंगे। और रही बात सफाई की, तो सफाई सारे भाई मिलके कर लेंगे ना उनके आने से पहले। बस यही तो है, 1 साल की सफाई 1 दिन में करनी पड़ेगी भाई। सालो तुम लोग मेरे लिए सफाई करोगे? ओ चाचा चौधरी, अभी अंकल जी आए नहीं है, तो एक काम कर, खड़ा हो और सफाई करेंगे सारे मिलके। मजाक कर रहा था यार। सालो तुम लोगों की बातों ने ना आज मन को इमोशनल और दिल को खुश कर दिया है। कौन कहता है हर एक फ्रेंड कमीना होता है, मेरे वाले तो लायक निकले। आज चाय ना अपने हाथ से बनाकर पिलाऊंगा तुमको, और उससे पहले जादू की जप्पी दे दे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। Hey guys, तो होप करता हूँ वीडियो आप सबको पसंद आई, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताना, और वीडियो को हर जगह पर शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट बात, एक अच्छा दोस्त मिलना तो यार भगवान के हाथ में, नसीब के हाथ में, बट एक अच्छा करियर मिलना आपके हाथ में होता है, और उसके लिए स्पेशलाइजेशन बहुत ज़रूरी होती है। एंड विथ अपग्रेड यू कैन चूज वेरियस प्रोग्राम्स लाइक डाटा साइंस, मैनेजमेंट एंड लॉ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो डू चेक आउट देयर प्रोग्राम्स in the link in my description. Thank you guys.